हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस MR के यूज़ के बारे में, किस तरीके से इसका यूज़ करना है, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है और कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होता है, ये हम बात आज समझेंगे। फर्स्ट यूज़ है, कोई चीज़ है, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन देना, कोई भी चीज़ है। इसमें सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या कोई नेम आ जाता है। एंड सेकेंड प्लेस पर इज MR एंड थर्ड प्लेस पर कोई भी नेम या ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, कोई क्वालिटी जैसे कि गुड बॉय, ए टीचर, ए प्लेयर एट्सेट्रा, ये चीज़ें आ जाती हैं। ये आवाज़ देता है, हैं या हो कि, जैसे कि वह एक अच्छा लड़का है, ही इज़ ए गुड बॉय। वे अध्यापक हैं, दे आर टीचर्स, एक नंबर पर दे, दो पर आर, तीन पर टीचर्स, वे टीचर्स हैं। यह मेरा मोबाइल फ़ोन है, दिस इज़ माई मोबाइल फ़ोन। अब नेक्स्ट है, वह अच्छा लड़का नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस बन गया, ही इज़ नॉट, तीसरे नंबर पर नॉट आ गया, नॉट ए गुड बॉय। फोर्थ है, वे अध्यापक नहीं हैं, दे आर नॉट टीचर्स, वे टीचर्स नहीं हैं। तो ये है इसका फर्स्ट यूज़, जिसमें हमारे को ये पता लगता है कि कोई चीज़ है या नहीं है। सेकेंड यूज़ है इज MR के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इज MR एंड उसके तुरंत बाद टू, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इसका मतलब है काम होना है या करना है, जैसे कि मुझे जाना है, मुझे खेलना है, पढ़ना है। बहुत यूज़ होता है इन सेंटेंसेज का हमारी कॉमन लाइफ में। तो सेंटेंसेज हैं, एग्जाम्पल, आई एम टू प्ले, मुझे खेलना है, मुझे खेलना है। बहुत बार हम यूज़ करते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। सपोज़ आपका फ्रेंड आया आपको बुलाने, चलो खेलते हैं, तो आप बोलते हो कि नहीं, मुझे होमवर्क करना है, आई एम टू डू होमवर्क। उसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम टू कम्प्लीट होमवर्क, मुझे कम्प्लीट करना है होमवर्क अपना। नेक्स्ट है, ही इज़ टू कुक फूड, उसे भोजन पकाना है। दे आर टू स्टडी, उन्हें स्टडी करनी है, उनको पढ़ाई करनी है, मतलब काम करने वाला है, पेंडिंग है या करना है अभी। नेक्स्ट इसका यूज़ है कंटिन्यूस टेंसेज में, इज MR के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। ING यूज़ मतलब कंटिन्यूस, काम हो रहा है, कोई ना कोई काम हो रहा है, प्रेजेंट के अंदर चल रहा है, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, नाच रहा हूँ, खेल रहा हूँ एट्सेट्रा। एग्जाम्पल सेंटेंस है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे हैं। माई ब्रदर इज़ वर्किंग हार्ड, मेरा भाई हार्ड वर्क कर रहा है। मैं खेल रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ, नहीं नाच रहा हूँ, बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं। इन पर आप भी प्रैक्टिस करें और सेंटेंसेस बनाएं। तो ये है कंटिन्यूस यूज़ इसका, कंटिन्यूस टेंस में जो काम फ़िलहाल हो रहा है, ये काफ़ी इजीली सीख जाते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो इस पर ज़्यादा हमारे को डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इसका यूज़ है इज MR के बाद थर्ड फॉर्म, ये पैसिव स्ट्रक्चर में आ जाता है, इसको पैसिव जो वॉइस है वो बनती है। साउंड इसमें भी ता है, ते हैं, ती है, कहीं निकलता है। इसमें सबसे पहले जो रिसीवर सब्जेक्ट है, जिस पर एक्शन या वर्ब का प्रभाव पड़ता है, वो आता है। उसके बाद दो नंबर पर इज MR, तीन पर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन बाय आता है उसके बाद, और लास्ट में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो वर्क को करता है, काम को करने वाला सब्जेक्ट, वो आता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हमने सीख ली है, साउंड इसमें ता है, ते है, कि आता है। इसमें जो वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसका इफ़ेक्ट जो शुरू में रिसीवर सब्जेक्ट आता है, जो इफ़ेक्ट है उसको ग्रहण करता है, उसके ऊपर आता है। जैसे कि एग्जांपल देखें, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, इंग्लिश को बोला जाता है मेरे द्वारा। पैसिव में जो शुरू में जो भी हमारा रिसीवर सब्जेक्ट आता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, जैसे स्पोकन, स्पोकन बोलना, किसे बोला जाता है, इंग्लिश को, इंग्लिश शुरू में है, इंग्लिश को बोला जाता है, ये रिसीवर सब्जेक्ट है।
रेसिपिएंट भी बोल सकते हैं जो एक्शन के प्रभाव को रिसीव करता है। नेक्स्ट है वर्क इज कंप्लीटेड एवरी डे, काम हर रोज पूरा किया जाता है, काम को हर रोज पूरा किया जाता है। इसमें कंप्लीटेड जो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्क इज कंप्लीटेड, काम को पूरा किया जाता है। पैसिव में क्या होता है, जो शुरू में हमारा रिसीवर या रेसिपिएंट सब्जेक्ट आता है उस पर प्रभाव पड़ता है। एक्टिव में जो शुरू में आता है सब्जेक्ट वो काम को करता है, इसमें ये काम को करता नहीं है, इस पर जो शुरू में आ रहा है उस पर वर्क होता है। नेक्स्ट थर्ड है फूड इज इटन, भोजन को खाया जाता है, भोजन खाया जाता है, फूड इज इटन, भोजन को खाया जाता है। अब ये कंस्ट्रक्शन और ये जो स्ट्रक्चर ऐसा बनता है कि इसका जो प्रभाव है शुरू में आने वाले जो रेसिपिएंट या रिसीवर सब्जेक्ट है उसी के ऊपर पड़ता है, वो काम को करता नहीं है, उसके ऊपर काम का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी पैसिव है, ये पैसिव प्रोग्रेसिव या पैसिव कंटिन्यूस है, पैसिव प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसके अंदर सब्जेक्ट जो रिसीवर सब्जेक्ट है, उसके बाद इज एम आर और उसके बाद बींग जो कि कंटिन्यूटी को शो करता है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है और लास्ट में बाय के बाद वर्कर या सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट डूअर आता है। ये साउंड देती है, रहा है, रहे हैं, कंटिन्यूस ही ये होता है। इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे कि रिसीवर सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद बींग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय प्लस वर्कर या डूअर। फॉर एग्जाम्पल वर्क इज बींग डन क्विकली, काम को किया जा रहा है क्विकली, तेजी से। नेक्स्ट है फूड इज बींग कुक्ड, फूड को कुक किया जा रहा है, भोजन को पकाया जा रहा है। दे आर बींग टॉट, उन्हें पढ़ाया जा रहा है, दे आर बींग टॉट, उन्हें पढ़ाया जा रहा है। अब इन सभी में काम हो रहा है, ये काम को किया जा रहा है, और जो शुरू में रिसीव करने वाले सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वो कर नहीं रहे काम को। वर्क इज बींग डन, काम को किया जा रहा है क्विकली, तेजी से। नेक्स्ट है फूड इज बींग कुक्ड, भोजन को पकाया जा रहा है, ना कि भोजन पका रहा है। दे आर बींग टॉट, उन्हें पढ़ाया जा रहा है, ना कि वे पढ़ा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इसका छोटा सा जो एक पॉइंट है जो हमें समझने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं इज एम आर का यूज़ कहाँ नहीं करना है। इज एम आर के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट या सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है, ये रॉन्ग यूज़ होता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो इज एम आर के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं वर्ब की, जैसे मैं जाता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट इसको आई एम गो या इस तरीके की सेंटेंस स्ट्रक्चर बना देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है, थॉरली रॉन्ग है जो। और इस एम आर के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जा सकता है, बट वो पैसिव बन जाएगा, जैसे मैच इज़ प्लेड, मैच को खेला जाता है, पैसिव स्ट्रक्चर में इसका यूज़ हो सकता है, बट कभी भी इस एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट या सेकेंड फॉर्म का यूज़ नहीं करना है हमारे को।